हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का एरर कैसे सॉल्व करना है। अगर आप अपने सिस्टम से किसी और डिवाइस का प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसका डिस्प्ले आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको टू स्टेप्स बताऊँगा जो बहुत ही यूजफुल है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, अपना एरर दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर जाना आपको दोस्तों, स्टार्ट मेन्यू में जाना आपको, और यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में चले जाना है। और इस तरीके से यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन है, यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट साइड में इसको क्लिक करना है। और इस तरीके से ऑप्शंस खुलेंगे दोस्तों आपके पास। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का ऑप्शन है, यहाँ पर ये ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से। और ये आपके सिस्टम में देख सकते हैं, तो आपके सिस्टम में इसी टाइप का होगा ये एरर। मेरे सिस्टम में भी एरर है दोस्तों, पूरा ब्लर हो रखा है, कोई भी ऑप्शन नहीं यहाँ पर इसको ऐड करने का। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो यहाँ पर जो लिखा है, दिस पीसी के नॉट बी डिस्कवर्ड फॉर प्रोजेक्शन ओनली व्हेन इट इज प्लग इन इनटू अ पावर सोर्स, तो इसको ऑन कर देना आपको, अगर आपके में ऑप्शन आ रहा है इसको ऑन करने का। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको इसको ऐड करना है यहाँ पर प्रोजेक्टिंग को। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शनल फीचर्स है, यहाँ पर एड द वायरलेस डिस्प्ले ऑप्शनल फीचर्स टू प्रोजेक्ट दिस पीसी, ये वाला, तो यहाँ पर ब्लू कलर का इसको क्लिक करना है इस तरीके से। और ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएंगे आपके पास। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शनल फीचर्स खुलने के बाद आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर एड फीचर्स का ऑप्शन है, प्लस का साइन है, इसको प्लस कर लेना है यहाँ से। और आपको यहाँ से अब वाईफाई से कनेक्ट कर देना अपने सिस्टम को। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है वायरलेस डिस्प्ले, ये आप देख सकते हैं वायरलेस डिस्प्ले आ जाएगा यहाँ पर, इसको टिक कर लेना है यहाँ से। और इसको इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल कर लेना है। तो जो ये स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों मैं, 70 to 80% ये वर्क करेगा आपके सिस्टम में। अगर ये वाला स्टेप काम नहीं करता आपके सिस्टम में, तो मैं आपको दूसरी सेटिंग बताऊंगा यहाँ पर। तो इसको हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल का मैसेज आ गया मेरे पास। और अब मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, और ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी, ये खुल गया यहाँ पर। तो इसको अगर ऑफ है, इस तरीके से ऑन कर देना है इसको, और इसी तरीके से आपको सेटिंग करनी है यहाँ पर। तो जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर, सम विंडोज एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस कैन प्रोजेक्ट टू दिस पीसी व्हेन यू आर सेज इट्स ओके, तो जब भी आप ओके करेंगे वो डिवाइस आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको अवेलेबल एवरीवेयर कर देना है ये इस तरीके से। और ये वाला जो ऑप्शन है सेकेंड वाला, आस्क टू प्रोजेक्ट दिस पीसी, तो एवरी टाइम कनेक्शन इज रिक्वेस्टेड, ये आपको रहने देना है यहाँ पर इस तरीके से। और रिक्वायर्ड पिन का जो ऑप्शन है पेयरिंग का, ये नेवर कर देना आपको इसी तरीके से। और इसके बाद अब आपको दूसरे जो डिवाइस है दोस्तों, जिससे आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं अपने लैपटॉप को, उसको आपको ऑन करना है उसका ब्लूटूथ, और आपको कनेक्ट करना है उससे। अब तो जो आपका पीसी वो कनेक्ट हो जाएगा आपका। और इस स्टेप को फॉलो करने के बाद भी दोस्तों, अगर आपका एरर नहीं जाता, तो मैं आपको दूसरे स्टेप में लेके जाऊंगा। और यहाँ पर आपको सर्च बार में जाना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर रन लिखना आपको इस तरीके से, रन कमांड आ जाएगा यहाँ पर, और इस तरीके से विंडो खुलेगा। यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर gpedit.msc, ये आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ये कमांड, और ओके कर लेना आपको। और ये रजिस्ट्री करेंगे दोस्तों हम अपने सिस्टम है यहाँ पर, तो ये विंडो प्रो में ही ऑप्शन मिलेगा आपको, और ये इनेबल होना चाहिए आपके सिस्टम में ये ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों क्या करना आपको, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, मैं बड़ा कर देता हूँ उसको, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, ये देख सकता है, उसको एक्सपेंड कर लेना आपको इस तरीके से।
और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, इसको ऑन कर लेना है इस तरीके से। और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को एक्सपेंड करने के बाद दोस्तों आपको ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, विंडोज कंपोनेंट, इसको भी साइड से एक्सपेंड कर लेना है इस तरीके से। इसका पाथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं किस तरीके से आपको ये नेविगेट करना है। और उसके बाद दोस्तों एक कनेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर डबल क्लिक करना आपको इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं, डोंट अलाउ दिस पीसी टू बी प्रोजेक्टेड, तो ये आपके सिस्टम में दोस्तों यस हो रखा होगा, इसीलिए ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। जो फर्स्ट वाला स्टेप है उसको करने के बाद भी ये स्टेप, ये एरर सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, इसको डबल क्लिक कर देना है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं, तो ये या तो नॉट कॉन्फिगर होना चाहिए या फिर डिसेबल होना चाहिए, आपके सिस्टम में इनेबल होगा दोस्तों ये, तो इसीलिए ये ऑप्शन जो फर्स्ट वाला स्टेप है उस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद भी आपका एरर नहीं गया, तो आपको इसको डिसेबल कर देना है यहाँ से इस तरीके से, और अप्लाई कर देना है, ओके कर लेना है। और अब आपको एक बार अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेना, तो रीस्टार्ट करने के बाद देखेंगे दोस्तों आपका एरर चला जाएगा। और अगर एरर नहीं जाता दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। सो थैंक यू।